कोडरमा वामपंथी नेता रहे समाज सेवी क्रांतिकारी के साथ साथ संगीत प्रेमी जयनगर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पीपराडीह निवासी स्वर्गीय महेंद्र दास के निधन पर साहू धर्मशाला झुमरी तिलैया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष इंद्रदेव राम ने की। स्वर्गीय महेंद्र दास के श्रद्धांजलि सभा में कोडरमा जिले से सभी राजनीतिक सामाजिक जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित रहे। इस दौरान लोगों ने उनके चित्र पर बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित की, दो मिनट का मौन धारण किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए जिला परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने उनके आदर्शों पर चलकर ही सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है। उन्होंने कहा जिलावासियों को चाहिए दूसरा महेंद्र दास पैदा करे, दूसरा महेंद्र दास पैदा कर ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा जिला मंत्री प्रकाश रजक ने कहा पुलिस जुर्म के खिलाफ हमेशा उन्होंने अगली पंक्ति में रहकर संघर्ष को आगे बढ़ाया है। इलाके में जो महाजनी जुल्म था उसको समाप्त करने में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। वहीं श्रद्धांजलि सभा में दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज कुमार रजक, जिला सचिव गणेश दास, प्रेम पांडे, धीरज कुमार, दुर्गा प्रसाद राम, रंजीत दास, संजय दास, राजेंद्र दास, एम के दास समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। कार्यक्रम क्या था, किस लिए आयोजित किए गए थे? आज का कार्यक्रम क्षेत्र का एक क्रांति दिवस का था। इस क्षेत्र में दलित समाज में पनपा क्रांतिकारी नेता समाज सेवी दिवंगत महेंद्र दास जी का आज स्वागत शोक सभा था, जिसमें हम लोगों ने दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति के तत्वाधान में एवं अन्य सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मिलने से ये कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ये था कि जो आज समाज में समाज के लिए समय देते हैं, जो समाज में समय के लिए अपना जीवन निछावर करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, समाज को एक विकल्प मिले, समाज को एक प्रेरणा मिले, इसके लिए हम लोगों ने शोक सभा के माध्यम से देश और समाज को बताना चाहते हैं कि ऐसे क्रांतिकारी बीच को इससे प्रेरणा लेना चाहिए और ऐसे लोगों जो समाज के लिए अपना जीवन निछावर किया है इसके परिवार को हम लोग सहयोग करना चाहिए, चाहे जिस रूप में हो, और ऐसे बीच को नहीं मरे इसके लिए संघर्ष जारी रहना चाहिए। क्या कार्यक्रम था आज? आज स्वर्गीय महेंद्र दास का दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति कोडरमा इकाई के द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया था और इस शोक सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने भाग लिया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और उनके निधन से बहुत दुख है, पीड़ा है। इसलिए पीड़ा है कि वैसा क्रांतिकारी नेता समाज में दिल ही पैदा लेता है और वो क्रांतिकारी नेता थे, हमेशा उन्होंने पुलिस जुल्म के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, ब्लॉक में भ्रष्टाचार के खिलाफ, बांझेदीप में मजदूरों के सवाल पर, केटीपीएस में मुआवजा दिलाने के सवाल पर उनका एक लंबा इतिहास है संघर्ष का और हम समझते हैं कि उनके निधन से बहुत दुख है, कोरोना जिला को क्षति है और एक क्रांतिकारी नेता को पैदा करने में बनाने में बहुत समय लगता है, खर्च होता है और हम लोगों को आज चाहिए, पूरा समाज को चाहिए कि महेंद्र दास के जैसा नेता जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने कभी समझौता करने का काम नहीं किया, हमेशा लड़ने का काम किया, वैसा नेता अगर हम दो चार को पैदा कर पाते हैं कोडरमा जिला में तो कोडरमा जिला के लिए सौभाग्य होगा। और हम समझते हैं कि आज के शोक सभा में हम लोगों को वही संकल्प लेने की जरूरत है कि वो चूंकि लड़ने वाले नेता थे और पीछे हटना नहीं चाहते थे, पीठ नहीं दिखाते थे, तो पीठ नहीं दिखाने वाले नेता समाज को दो चार लोगों को पैदा करना चाहिए और आज यही मैं चाहता हूं कि सबको प्रेरणा लेना चाहिए और उनके जैसा नेता पैदा करके समाज को देना चाहिए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।